आई स्ट्रांगली फील कि आपका पर्सन इस कनेक्शन को सफल करना चाहता है। वो चाहते हैं कि आप दोनों ही एक बार फिर से इस रिलेशन में आएं और मिलें, बात करें, लाइफ के बारे में डिस्कस करें। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। ऐसी कि आपके पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर काफी क्लियर थे शुरू में कि उन्हें आपके साथ फ्यूचर स्पेंड करना है, बट बाद में आपके बीच काफी आर्ग्यूमेंट्स होना स्टार्ट हो गए, जिस वजह से आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई थी और इसीलिए आप दोनों ने अपना अलग अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। ऐसी कि आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना स्टार्ट हो गई थी। आपके पर्सन ने आपसे कई बातें सीक्रेट रखी जिसका आपको अफसोस होता था। आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन को आप पर ट्रस्ट नहीं था और इसीलिए वो आपसे अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाते थे। आई फील कि आपके पर्सन का बिहेवियर इमेच्योर था क्योंकि उनको समझ नहीं थी कि रिलेशनशिप्स को कैसे डील करना चाहिए और इस वजह से उन्होंने बहुत गलतियां की जिसका उन्हें अब दुख है। लेकिन आपका पर्सन चाहता है कि वो आपके पास एक बार फिर वापस लौटे। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। डीप डाउन उनको भी लगता है कि उन्हें आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। आई स्ट्रांगली फील आपका पर्सन सच्चे मन से इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके पर्सन हो, आप उनके अपने हो और वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, एक लेगेसी जो लोगों को भी आने वाले समय में याद रहे। आपका पर्सन कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करता है कि उन्होंने काफ़ी इमेच्योर तरीके से बिहेव किया था। उनको ऐसा लगता है कि उनके इस इमेच्योर बिहेवियर की वजह से ये कनेक्शन टूटा और वो आपको इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करते। उनको लगता है कि उनकी ही गलती थी और आप फिर भी काफ़ी सहते रहे, जिसके लिए वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपके पर्सन को आप में एक सुकून नज़र आता है, एक घर वाली फीलिंग। जब कभी वो उदास होते हैं तो उनको लगता है कि बस आपके पास चले जाएं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके पास आने से उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि आप सुनते हो सभी की परेशानियां, आप सॉल्यूशन देते हो, अगर सॉल्यूशन ना भी हो तो आप अपने पर्सन के साथ खड़े रहते हो, जो वो काफ़ी मिस करते हैं। क्योंकि उनकी लाइफ में कोई ऐसा है नहीं जिससे वो अपना दुख सुख बांट सकें। आई फील कि आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आई हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके कनेक्शन से जलते हैं, जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों, आप दोनों का फ्यूचर बने, इसलिए वो कुछ ना कुछ तरकीब सोचते रहते थे इस कनेक्शन को तोड़ने की। लेकिन भले ही प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी की वजह से आई हों, वन थिंग्स फॉर श्योर कि आप दोनों जैसा एक दूसरे के लिए फील करते हैं वैसा और कोई नहीं करता। आई कैन सेंस कि आप और आपके पर्सन की मुलाकात किसी चीज़ के जरिए हुई थी। उसी दौरान आप दोनों ने एक दूसरे को जाना और रिलेशनशिप में आए, और अब जब आप दोनों साथ नहीं हो तो आपका पर्सन उन्हीं जरियों से आपके बारे में जानने की कोशिश करता है कि आप कैसे हैं। ऐसी कि आप दोनों के ही दिल फिलहाल टूटे हुए हैं। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से ये कनेक्शन टूटा। वो वक्त सही नहीं था आप दोनों के लिए। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके विचार, उसकी जीवन शैली भी बदलती जाती है, और यही चीज़ आपके कनेक्शन के बीच में भी आई। कहीं ना कहीं आपके थॉट्स इतने पावरफुल थे कि वो आप दोनों की फीलिंग्स को ओवरपावर कर गए। कहीं ना कहीं आपको डर भी है कि अगर आप अपने पर्सन को एक और मौका देते हो तो फिर कहीं वो सब दोबारा ना हो जाए जो पास्ट में हुआ था, या वो सब आपको ना सहना पड़े जो आपके पास्ट में सहा। इसलिए आप इस कनेक्शन को टाइम देना चाहते हो। आप चाहते हो कि सही वक्त आने पर ही इसके बारे में सोचा जाए, जो कि गलत नहीं है। आई गेट अ वाइब कि आपका पर्सन आपके बारे में ही
दिन रात सोचता रहता है। उनको बेहद अफसोस होता है कि पास्ट में जो भी हुआ या जिस चीज़ की वजह से आपके कनेक्शन में दरार आई, ऐसा लगता है कि वो अपने आप से लड़ते रहते हैं कि वो इस कनेक्शन को वापस लाएं या नहीं, वो आपके पास आएं या नहीं, क्योंकि आपकी तरह वो भी बहुत डरते हैं। डरते हैं कि कहीं दोबारा आपको हर्ट ना कर दें, दोबारा कनेक्शन टूट ना जाए, या कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि उन्हें रिजेक्शन से काफ़ी डर लगता है। वो आपको बेहद पसंद करते हैं और नहीं चाहते कि कोई भी दिक्कत हो। आई फील कि आप आपके पर्सन के लिए एक रोल मॉडल हो, वो आपकी तरह बनना चाहते हैं। आपने उनको काफ़ी कुछ सिखाया था लाइफ में, आपने उनको उनकी सेल्फ वर्थ दिखाई, आपने उनको उनकी गलतियां बताई उनके करियर में जो उन्होंने एक्सेप्ट करी और इम्प्रूव करी, इसलिए वो आज लाइफ में अच्छा भी कर रहे हैं और अंदर ही अंदर आपको वो बहुत मिस करते हैं। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई स्ट्रॉन्गली फील कि आपका पर्सन इस कनेक्शन को सफल करना चाहता है। वो चाहते हैं कि आप दोनों ही एक बार फिर से इस रिलेशन में आएं और मिलें, बात करें, लाइफ के बारे में डिस्कस करें। आई गेस आपका पर्सन काफ़ी डीप थिंकिंग का है, उनको गहरे विचार पसंद हैं और उसी तरह आप भी सेम ख्याल रखते हो। आई फील कि आप दोनों ने पास्ट में काफ़ी वक्त सिर्फ गहरी बातों में निकाला है जो आप दोनों को काफ़ी याद आता है, क्योंकि आप दोनों के हिसाब से किसी और की इतनी गहरी सोच नहीं है जो आपसे मिल जाए। आई फील कि आप और आपके पर्सन की वाइब काफ़ी मिलती थी और आप दोनों ही काफ़ी खुश थे। आई फील कि आप दोनों के ही बहुत बड़े बड़े सपने थे और आपका पर्सन आपके सपनों को अपना मानता था और उसको पूरा भी करना चाहता था। डीप डाउन आई ऑल्सो फील कि आप दोनों काफ़ी एडवेंचरस टाइप के हो, आप दोनों ने काफ़ी ट्रैवल प्लान्स किए थे। अब जब आप दोनों अलग हो तो आप याद करते हो कि कैसे आप दोनों ने कितना कुछ सोचा था, सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और इस चीज़ का आप दोनों को ही बहुत दुख है। आई कैन सेंस कि कभी कभी आपका पर्सन आप दोनों की दूरी को लेकर इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि बस सोचता है कि भाड़ में जाए सब कुछ, उन्हें तो आपके साथ हैंग आउट करना है बस। कभी कभी वो सोचते हैं कि आपके घर अचानक आकर आपको सरप्राइज दे या आपको कॉफ़ी डेट पर लेकर चलें, चाहे कुछ भी करें लेकिन आपसे जल्द से जल्द मुलाकात हो। आई बिलीव कि अब आपका पर्सन काफ़ी समझदार हो गया है, वो पहले जैसी बचकानी हरकतें नहीं करते एंड इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको जाता है और वो चाहते हैं कि वो इस चीज़ का शुक्रिया अदा आपको प्रपोज करके करें, लेकिन बस रिजेक्शन का डर उनको ये स्टेप उठाने से रोक देता है। आई फील कि आप इस कनेक्शन के सेपरेशन से काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हुए थे, आपको काफ़ी टाइम लग गया था आगे बढ़ने में, खुद को संभालने में, और अभी आपको अपने ऊपर फोकस करना है, खुद को टाइम देना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि आपका पर्सन आपके पास वापस आ जाए। बैक ऑफ द माइंड आई फील कि आप दोनों के बीच जितनी मर्जी लड़ाइयाँ हो जाएं, आप दोनों के दिल मिले हुए हैं। आई फील कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी कंपैटिबल हो, अब दोनों की खुशी एक दूसरे में है, फिर चाहे आप कितना ही मूव ऑन करने की कोशिश करें या कितना ही अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से भागते रहें, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन एक बंदे की होप से ज़्यादा दोनों लोगों की होप से है। आई फील कि आप दोनों को ही फिगर आउट करना है कि आप इस सिचुएशन में क्लैरिटी चाहते हैं या नहीं, क्योंकि आप दोनों को ही स्पेस चाहिए थी जिससे आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ, एक दूसरे को ब्रेक दे पाएँ, ताकि आप दोनों अपनी फीलिंग्स को फिगर आउट कर पाओ, आप जान पाओ कि आपको फ्यूचर में एक दूसरे से क्या चाहिए, जो कि ऐसी आप दोनों रियलाइज कर पा रहे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे को बेहद चाहते हैं और किसी भी कीमत पर अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि डीप डाउन
अब दोनों ही चाहते हो एक दूसरे की लाइफ में आना और एक फैमिली बनाना, एंड आई बिलीव ये जल्द होगा भी। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। हिडन डेप्थ्स, ये फेरी आपसे कहना चाहती है कि कोई ऐसी चीज जो आपकी नजरों से हिडन थी, छुपाई गई थी, वो रोशनी में आने वाली है आपके सामने। ये पराप्स एक सीक्रेट या कोई पुरानी बात हो सकती है जो भी हिडन है, छुपाया हुआ है, फेरी कहना चाहती है। उसके सामने आते ही आप फ्री हो जाओगे। एक चीज जो आपको यहां करनी है वो ये कि आपको अपने पास्ट से फ्री होने के लिए एक स्टेप लेना है। जब आप फ्री होने के रास्ते पर चलोगे तो उस रास्ते पर आपके आसपास आपसे लोग जुड़ने लगेंगे और आप लाइट फील करके पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते रहोगे। ये कार्ड यहाँ आया ही इसलिए है आपको ये बताने के लिए कि आप रेडी हो अपने कनेक्शन की हिडन डेप्थ्स को फेस करने के लिए। आपको इसे अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करना चाहिए और कहना चाहिए कम व्हाट में। आपको बेहद चाहने वाला कभी आपको आई लव यू नहीं बोलेगा, बल्कि जो कहना चाहेगा वो जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन ब्लेस यू।